यहाँ पे सबसे पहले आपको प्लेन सेट करना पड़ेगा। यहाँ पे सेट में जाता हूँ, पिकअप प्लेन, ये फेस मैंने सिलेक्ट किया। यहाँ पे हुड व्यू सेट किया मैंने, फ्रंट व्यू। उसके बाद रिवॉल्व कमांड सिलेक्ट करता हूँ। रिवॉल्व कमांड में अभी आपको सबसे पहले प्रोफाइल निकालनी है, तो ये एक लाइन रहेगी। उसके बाद एक वर्टिकल लाइन निकालता हूँ, उसके बाद एक इंक्लाइन लाइन, फिर से एक वर्टिकल लाइन, ये एक लाइन निकाली मैंने। अभी यहाँ पे मुझे फिलेट देना है, तो लाइन कमांड में यहाँ पे ऑप्शन है फिलेट आर्क का। ये लाइन और ये लाइन के बीच में यहाँ पे आप रेडियस वगैरह दे सकते हैं, ये वैल्यू आप चेंज कर सकते हैं। सेम ये लाइन और ये लाइन के बीच में यहाँ पे फिलेट है, ये लाइन और ये। अभी ये मैंने हाफ क्रॉस सेक्शन ड्रॉ किया। उसके बाद यहाँ पे एक्सिस लाइन का ऑप्शन है, जिसके अलोंग रिवॉल्व करना है वो एक्सिस लाइन आपको निकालनी है। इसके बाद यहाँ पे मैं फिनिश करता हूँ, लाइन मस्ट बीन क्लोज दो। ओके, तो ये जो हमने बाउंड्री निकाली थी इसको यहाँ से हम क्लोज कर लेंगे, इसको ओके करता हूँ, तो ये ऐसा रिवॉल्व होगा। अभी ये कंसिडर करो आपको ओपन चाहिए, यहाँ पे एडिट रिवॉल्व में जाता हूँ, फिर से मैं फ्रंट व्यू लेता हूँ। अभी इसको हम ऑफसेट लेंगे, यहाँ पे ऑफसेट का ऑप्शन है, ऑफसेट में आपको डिस्टेंस देना है। यहाँ पे फिलहाल मैं 10 देखता हूँ कितना आ रहा है। यहाँ से आप 1:1 कर सकते हो, जरा ज्यादा लेते हैं। ठीक, एंटर। हर एक लाइन का एंड सर्कल का ऑफसेट लेना। अभी टी आर प्रेस किया मैंने, ट्री आर ट्रिम फॉर ट्रिम के लिए, ये लाइन और ये लाइन सिलेक्ट की। सेम अभी हमें क्लोज प्रोफाइल चाहिए, मतलब कंसीडर करो यहाँ से ऐसे प्रोफाइल स्टार्ट होगी तो यहाँ पे ही खत्म होनी चाहिए, ये एक्स्ट्रा लाइन रहेगी तो ये हमें ट्रिम करनी पड़ेगी। सबसे पहले मैं एस एल दबाता हूँ, एस एल से ये लाइन मैंने स्प्लिट कर दी, ये लाइन अलग हो गई है, ये लाइन अलग हो गई है। अभी टी आर प्रेस करता हूँ मैं, जो आपको रखना है वो सिलेक्ट करो, ये लाइन और ये लाइन, सेम ये लाइन और ये लाइन। यहाँ पे एक्सिस लाइन हमने ऑलरेडी ड्रॉ की है, इसको सिर्फ ओके कर लो। ऊपर से क्लोज नहीं रहेगा, ऊपर से हमें इधर सा, अब ये अंदर से पूरा हॉलो हो गया है। फिर से इसको जरा सा रिवॉल्व करते हैं, इसका जरा सा शेप कि ऐसे स्ट्रेट में रख देते हैं। टी आर ये लाइन, ये लाइन, ये लाइन और ये लाइन, ये लाइन और ये, ठीक है। सो ठीक है, छोटी सी लाइन रह गई है, इसको डिलीट कर लेते हैं।
ये हो गया क्लोज प्रोफाइल, इसको ओके करता हूँ, ये ऐसा शेप बन जाएगा। अंदर से ये फॉलो रहेगा। इसको आपको क्रॉस सेक्शन लेना है तो क्रॉस सेक्शन भी ले सकते हो। यहाँ पे सेक्शन बॉक्स आपको मिलेगा, ये मैं ऑन कर लेता हूँ, ये वाला प्रोफाइल ये मैं कट कर लेता हूँ। हाँ, टेबल इंसर्ट क्लिक कर दी तो बड़ा ये ओपन कर बड़ा। हाँ इनको, हाँ पीडीएफ मोटी दो। सेव करते हो डॉ? सेव किया। अच्छा अभी ये हो गया हमारा रिवॉल्व कमांड। तो भी जो भी ऑब्जेक्ट सर्कुलर पोर्शन में रहता है, ठीक है, तो वो हम हाफ क्रॉस सेक्शन निकाल के रिवॉल्व कर देते हैं। तो अभी कंसिडर करो आपको स्पीयर बनाना रहेगा, तो हम क्या करेंगे, एक सेमी सर्कल निकालेंगे, ये लाइन रहेगी मतलब ये सर्कल और ये लाइन, और ये लाइन पे ही हम एक्सिस निकालेंगे। तो ये जब रिवॉल्व होगा हमारा ये ऐसा स्पीयर बन जाएगा, दिखाता हूँ मैं। सेक्शन बॉक्स आपको ऑफ करना है तो यहाँ पे फिर से क्लिक कर लो, मॉडल इन प्लेस। रिवॉल्व कमांड अभी यहाँ पे टॉप लिंक चल रहा है।
टी आर टाइप करूंगा, ये लाइन और ये लाइन, ये लाइन और ये सब, ठीक है, दोबारा को ट्रिम करना। अभी यहीं पे हमें एक्सेस निकालनी पड़ेगी, छोटी निकाली तो भी चल जाएगा, ठीक। इसको मैं ओके करता हूँ तो ये अभी पोर्शन रिवॉल्व हो गए, ठीक है। आप यहाँ पे एंगल ले सकते हो 180 डिग्री, 90 डिग्री वगैरह, जो भी आपको चाहिए। यहाँ पे मैंने 180 दिया तो ये ऐसा रिवॉल्व हो जाएगा, ये हो गया रिवॉल्व कमांड। सेम यहाँ पे आपको वर्ड रिवॉल्व मिलेगा, इसमें मटेरियल कट हो जाएगा। अभी नेक्स्ट ऑप्शन हम स्वीप देखते हैं। अभी यहाँ पे कंसिडर करो, आपको एक डिजाइन वगैरह चाहिए बाउंड्री पे, ये वाले क्वेश्चन पे, वॉल पे, तो वो हम स्वीप में कर सकते हैं। स्वीप में आपको एक प्रोफाइल निकालनी है और एक पाथ निकालना है, ये आप नोट डाउन कर सकते हो, ड्रॉ वन प्रोफाइल एंड पाथ। यहाँ पे मैं स्वीप कमांड सेलेक्ट करता हूँ। अभी यहाँ पे स्केच पाथ का ऑप्शन है और एक पिक पाथ का ऑप्शन है। पिक पाथ में आपको ड्रॉ नहीं करना है, डायरेक्टली आपको सिर्फ एजेस सेलेक्ट करनी है। यहाँ पे मैं सेलेक्ट किया मैंने, और ये एजेस आपको ऐसे सिर्फ सिलेक्ट करने। पाथ आपका ओपन रह सकता है या फिर क्लोज भी रह सकता है, वो इम्पोर्टेंट नहीं है। अभी यहाँ पे मैंने ये लाइन सिलेक्ट की थी, जो गैप है वो आपको फिल करनी है। टी आर से मैं फिल कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ तक मैंने सेलेक्ट किया है, आपको चाहिए यहाँ पे तो यहाँ पे भी आप सेलेक्ट कर सकते हो, ड्रॉ कर सकते हो। अभी ये हमने जो ड्रॉ किया है वो टॉप वाले प्लेन में, ये सब पाथ है, इसको मैं ओके करता हूँ। अभी मैं प्रोफाइल निकालूंगा, तो यहाँ पे एडिट प्रोफाइल का ऑप्शन है, इसमें जाओ। उसके बाद यहाँ पे मैंने बैक व्यू सेट किया, उसका जो परपेंडिकुलर प्लेन है उसमें हम डिजाइन बनाएंगे, ओके। तो जो प्रोफाइल रहेगी वो हमेशा क्लोज रहती है, नोट डाउन कर लो, प्रोफाइल मस्ट बी क्लोज, पाथ कैन बी ओपन और क्लोज। इसका सिंपल एग्जांपल आप लॉक का जो ऊपर का पोर्शन रहता है यू शेप वाला, ठीक, तो वो हम इसमें कंसिडर कर सकते हैं। स्विफ्ट में ब्लॉक का जो ऊपर का पोर्शन बनाना रहेगा, तो आप प्रोफाइल निकालोगे सर्कुलर और पाथ में यू शेप निकालोगे। तो ये हमारी अभी फिलहाल प्रोफाइल हो गई, क्लोज प्रोफाइल, और पाथ हमने पहले ही निकाला था। इसको मैं अभी ओके करता हूँ, फिर से एक बार ओके कर दूँ, तो ये जो डिज़ाइन है ये पाथ के अलॉन्ग फॉलो हो गया। टॉप प्लेन में हमने पाथ बनाया, और उसके परपेंडिकुलर प्लेन मतलब फ्रंट या फिर आप ये ऐसा प्लेन बैक प्लेन कंसिडर कर सकते हो, उसमें हमने प्रोफाइल बना ली। और एक एग्जांपल देखो, यहाँ पे स्वीप सेलेक्ट करता हूँ, स्केच पाथ में जाता हूँ, यहाँ पे आप पाथ कोई भी निकाल सकते हो। अभी यहाँ पे फिलहाल सिंपल स्प्लाइन निकलता हूँ, ये ओपन प्रोफाइल है, इसको ओके किया मैंने। अभी मैं प्रोफाइल निकालता हूँ, यहाँ पे एडिट प्रोफाइल में एक सर्कल निकालता हूँ, सर्कल मतलब हमारी प्रोफाइल हो गई, वो हमेशा क्लोज रहेगी, इसको ओके करता हूँ, फिर से एक बार ओके कर लो, तो यह ऐसा पाथ फॉलो हो गया। तो वायर जो रहेगी वो भी हमारा स्वीप का ही एग्जाम्पल है, लॉक का ऊपर का यू शेप, उसके बाद एल्बोज रहते हैं, पाइप के जो एल्बोज है 90 डिग्री, 45 डिग्री एल्बोज, वो भी स्वीप के एग्जांपल से। एक एल्बो भी देखते हैं, स्वीप सेलेक्ट किया, स्केच पाथ में एक हम 90 डिग्री का सर्कल निकालते हैं, सेंटर पॉइंट
फर्स्ट पॉइंट और उसके बाद ये वाला सेकेंड पॉइंट, ठीक। तो ये हमारा हो गया पाथ, इसको ओके कर लो। उसके बाद यहाँ पे एडिट प्रोफाइल में जाओ, एडिट प्रोफाइल में ये मैं सर्कल निकाल लेता, दो सर्कल देखते हैं क्या, नहीं तो आपको कट करना पड़ेगा। इसको ओके करता हूँ, ठीक। दो सर्कल भी आप इसमें निकाल सकते हो, बाकी के दूसरे एक सॉफ्टवेयर है उसमें आपको कट वाला जो पोर्शन है वो सेपरेट करना पड़ता है, वो टोटल एक ही सर्कल लेता है। अभी ये हो गया 90 डिग्री का एल्बो, ओके, पाइप का जो एल्बो रहता है। सेम आप 45 डिग्री पे पाथ निकाल सकते हो और उसको स्वीप कर सकते हो। ये हो गई स्वीप ऑप्शन। अभी हम स्वेप लेन देखते हैं। स्वेप लेन एंड स्वीप सेम ही है, इसमें भी पाथ रहेगा और इसमें भी पाथ रहेगा, ओके। अभी इसमें सिर्फ डिफरेंस क्या है, आप अलग अलग प्रोफाइल ले सकते हो। इसमें एक ही प्रोफाइल थी, इसमें आपको दो प्रोफाइल निकालने पड़ते हैं। एक स्टार्ट में अलग प्रोफाइल रहेगी और एंड में अलग प्रोफाइल रहेगी। उन्होंने एक एग्जांपल बताया, पहले उन्होंने एक आर्क बनाई, उसके बाद जो एंड पॉइंट्स है वहां पे एक छोटा रेक्टेंगल और एक बड़ा वाला रेक्टेंगल बनाया, दोनों में अलग अलग। दूसरा नोट बन गया, नोट और तो नहीं सर, सेपरेट इंसर्ट फिर आगे तो सर खाली क्लिक पर फायर क्लिक पर सेव कर दो ना, कंटिन्यूस सेव सेम और सेव। स्केच पाथ, ये मैंने पाथ निकाला सेम 90 डिग्री का एंगल पे, ओके। इसको मैं ओके करता हूँ। अभी यहाँ पे दो ऑप्शन है, सिलेक्ट प्रोफाइल वन एंड सिलेक्ट प्रोफाइल टू, ओके। यहाँ पे सिलेक्ट प्रोफाइल वन पे पहले क्लिक कर लो, उसके बाद एडिट प्रोफाइल पे क्लिक कर लो। अभी पहले वाली प्रोफाइल यहाँ पे है, प्रोफाइल हमेशा क्लोज रहनी चाहिए। यहाँ पे मैंने पहले रेक्टेंगल निकाला, इसको ओके करता हूँ। अभी यहाँ पे हमें निकालना है तो सिलेक्ट प्रोफाइल टू, उसके बाद एडिट प्रोफाइल, यहाँ पे मैं सर्कल निकालता हूँ, सर्कल एंड रेक्टेंगल, इसको अभी ओके करते हैं, फिर से एक बार ओके करते हैं। तो ये ऐसे स्वेप लैंड हो गया, ठीक है। दोनों जगह पे अलग अलग प्रोफाइल से रेक्टेंगल एंड सर्कल, पाथ हमारा 90 डिग्री का है। अभी लास्ट ऑप्शन जो बचा है वो सिंपल ब्लेंड है, इसमें भी दो प्रोफाइल्स रहेंगी और पाथ हमारा स्ट्रेट रहेगा। क्रिएट में ब्लेंड, ब्लेंड में अभी यहाँ पे बेस चल रहा है, बेस में मैंने कंसिडर करो रेक्टेंगल बनाया। उसके बाद एडिट टॉप में जाते हैं, एडिट टॉप में मैं सर्कल निकालता हूँ। इधर 2D व्यू सेट कर लो पहले और यहाँ पे सर्कल बना। यहाँ पे हाइट है 250 की हाइट है दोनों के बीच में, इसको ओके कर लो। दोनों के बीच में 250 की हाइट आ गई। आपको चेंज करना है तो यहाँ से आप वैल्यू भी डाल सकते हो, 1000। ये इसे आप ड्रैग भी कर सकते हो। इसको फिनिश करो, ये हो गए सब मॉडलिंग प्लेस के ऑप्शंस। सो हाँ इसमें रेफरेंस पॉइंट्स कैसे सिलेक्ट करते हैं, अगर ये रेक्टेंगल के प्रॉपर सेंटर में मुझे सर्कल प्लेस करना है। ये सर्कल आपको सेंटर में चाहिए, तो अभी यहाँ पे मैं एडिट टॉप में गया, उसके बाद
ये पॉइंट लिया मैंने, ये आपको एक्सेस निकालनी पड़ेगी, इसे निकालने के बाद वो डिलीट कर दो। इसको ओके किया, बीच में आ जाएगी। ये सर वो लाइन जो सर ड्रॉ किया हुआ, लाइन कमांड यूज करके किया है, कैसे किया वो बीच में हाँ लाइन कमांड रेफरेंस? भी कर सकते हो यहाँ पे, ये लाइन कमांड जो है इससे भी कर सकते हो, मिड पॉइंट मिल जाएगा आपको रेफरेंस का, और बाद में डिलीट कर सकते हो। ओके तो बेड सोफा वगैरह पिलोज वगैरह या आप इससे कर सकते हो। ओके तो ज़्यादा इतना ये नहीं रहेगा, जो 3ds Max में वगैरह ऑप्शन है ना वो ज़रा ज़्यादा एडवांस है, स्मूथनिंग के वगैरह ऑप्शन दिए हैं। तो ये सिंपल आप डिजाइन्स वगैरह बनाएंगे रहेंगे रेक्टेंगुलर शेप में वगैरह, तो वो इजीली बन जाते हैं रेविट सॉफ्टवेयर में। इंटीरियर का काम जो रहेगा वो आप 3ds Max में कर सकते, बेड वगैरह भी, इसमें भी आपको बेड वगैरह जो मिलेंगे वो इतने एडवांस नहीं है, जस्ट रेक्टेंगुलर शेप्स में वो भी। सोफा भी आप देखोगे तो ये स्क्वायर शेप में, तो वो ये इजीली आप बना सकते हैं इसमें। ठीक है यस सर। टोटल हमने 4 ऑप्शन देखे हैं, रिवॉल्व देखा, स्वीप देखा, ब्लेंड एंड स्वीप ब्लेंड। तो इसके आज प्रैक्टिस कर लो, बाकी का यस कल सर। देखेंगे हम। और जो भी आपने बनाया उसका मुझे एक स्क्रीनशॉट भेज दो, क्या क्या बनाया मैं देख लेता हूँ। उसमें कुछ अभी फिलहाल डाउट्स हैं वो प्रोजेक्ट में? नो सर, अभी तक तो नहीं, जितना प्रैक्टिस किया उसमें नहीं है। यस ठीक है सर, सर। स्क्रीनशॉट भेज दो मुझे, और रेफरेंस वाला कौन सा आपने प्रोजेक्ट लिया उसका भी भेज दो। यस सर। यस सर।